मुझे पता नहीं था कि वो नाटक था, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं ऐसे बहुत सारे नाटकों में एक्टिंग कर चुकी हूँ। अभी तो जो कर रही है वो नाटक है, दिखता है मुझे, बहुत अच्छी तरह से दिखता है। जैसे तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन तुझे फर्क पड़ता है और इसीलिए मैं तेरा साथ दे रही हूँ। देख मैं मानती हूँ कि ऋषभ मोहिनी का बिगड़ा हुआ बेटा है, लेकिन तू उसे सुधार सकती है और तूने थोड़ा बहुत उसे सुधार भी दिया है, दिखता है मुझे वो भी, वो तेरी फिक्र करता है। नहीं दादी, उसे मेरी फिक्र नहीं है, मैं उसके लिए बस एक जिम्मेदारी हूँ। मैंने उसकी मदद की थी ना, बस इसीलिए वो मेरी मदद करना चाहता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी मदद करे। मेरे पापा मरते मरते बच रहे हैं दादी, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मेरे पास मेरे पापा के सिवा और कोई नहीं है, और अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो उन्हें कौन संभालेगा? नहीं दादी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, I'm sorry, मुझे जाना होगा। ऋषभ ऐसे कैसे जाने देंगे उसे, इतनी रात को अकेले कैसे जाने देंगे, कहाँ जाएगी? कोई नहीं, एम्बुलेंस का इंतजाम कर रहे हैं ना हम। अब डैड मॉम एम्बुलेंस आ रही है, और 24 घंटे की एक नर्स उनके साथ भेज देंगे, वो दोनों का ख्याल रखेगी। आप लोग सब समझ क्यों नहीं रहे, ये बेहतर होगा वो यही रहे। लेकिन जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते उसे, अगर वो जाना चाहती है, उसका यही फैसला है तो ठीक है। अब ऑफिस में जाने का फैसला कर ही लिया है, व्हाट कैन वी डू? युग, सुरेश भाई साहब को ले आओ और वेद को भी ले जाओ लोग मदद के लिए। ऋषभ को चली जाओ, ऋषभ रोक, ऋषभ कुछ बोलना, तू बोलता क्यों नहीं, रोक ना उसे। उसे जाने दीजिए मॉम, शायद जो हो रहा है सही हो रहा है। तुम तो शुरू से ही चाहते थे कि मैं चली जाऊं, मैं ही कुछ ज्यादा दिन रुक गई हूं। जिस दिन कियारा आई उसी दिन मुझे चले जाना चाहिए था। ऋषभ को जा रही है, चली जाएगी, रोक लेना बेटा रोक। कुछ तो बोल ऋषभ। आखिरी बार पूछ रही हूँ, जाओ ना। जा सकती हो तुम, सिद्धार्थ। लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो, रोशनी यश ही जोकर। लिसन टू मी डैम इट, यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो, यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है, हाउ कुड इट बी, और तुम कोमा में थे ना। पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ, और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी, प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तुम निकल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे मत मारो प्लीज। नहीं, खून के बदले कौन? पर मां साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है छाई। तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने
सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।